हे फूडीज, वेलकम टू मीनू के। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी एक मेरी बचपन की रेसिपी शेयर करूंगी, जो आज भी लोग खाते हैं और खूब मज़े से उसके टेस्ट लेते हैं। ये है ब्रेड रोल। तो इसके लिए मैंने कुछ 2 से 4 ब्रेड ली है। आलू का मिक्सचर मैंने तैयार किया है, जिसको खूब चटपटा सा बनाया है, और ब्रेड को सोक करने के लिए हम यूज़ करेंगे पानी। तो 3 इन्ग्रीडियंट्स में बन जाएगी हमारी बहुत ही मस्त मस्त ब्रेड रोल रेसिपी। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रेड लेंगे, उसको अच्छे से हमने पानी में सोक करना है, और उसके बाद इसको स्क्वीज़ करके अपनी स्टफिंग इसमें फिल करनी है। तो मैंने सारे ब्रेड रोल तैयार कर दिए हैं, ये लगभग 4 से लेकर 5 है। आप अपने हिसाब से जितनी आपको ज़रूरत है आप बना सकते हैं। स्टफिंग भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे आपको अच्छी लगे। शेप जनरली हम यही देते हैं। और यहाँ हमारा तेल भी गर्म हो गया है, तो एक एक करके बहुत सावधानी से हम अपनी ब्रेड रोल को फ्राई करेंगे। तो ये लीजिए फूडीज, तैयार है हमारे बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड रोल। इसको आप सॉस, चटनी किसी की भी साथ लीजिए, चाय में, नाश्ते में, किसी में भी खाएंगे तो स्वाद बहुत बहुत ही टेस्टी आएगा और आपको अपने बचपन की यादें ताज़ी हो जाएंगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।